ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला में आरक्षण बचाओ अभियान के अंतर्गत तनुज पुनिया, उत्तर प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें क्षेत्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के आरक्षण बचाओ अभियान के तहत 25 फरवरी से 5 मार्च तक इस यात्रा में कई जनपदों में इस यात्रा को चलाया जा रहा है, जिसको लेकर तनुज पुनिया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब दलितों पर हो रहे अत्याचार को हम नहीं होने देंगे और बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए हुए संविधान में हस्तक्षेप करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दलितों और पिछड़े समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है उसकी एक मिसाल मैं आपको बता देता हूँ। गोरखपुर, जहाँ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का निवास स्थान भी है, उसके नजदीक वहां पर एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना हो जाती है और इसके बाद उसे न्याय नहीं मिलता और उसके साथ पुलिस वाले भी बलात्कार करते हैं। कैसा शासन है ये? यह शासन बिल्कुल गलत है। प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रकाश डालते हुए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर काफी चिंतित होकर तनुज पुनिया ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ विकास जीरो है और कार्य कुछ भी नहीं हो रहा और मोदी जी ने सिर्फ अपने ही दो चहीते दो चार लोगों का ही फायदा किया है। इस प्रेस वार्ता बैठक के दौरान तनुज पुनिया उत्तर प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी, जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया, जिला उपाध्यक्ष साजिद चौधरी, नगर अध्यक्ष मंसूर सलमानी व इनके अलावा दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से काविंदर सिंह की रिपोर्ट। में हुआ अयोध्या में एक दलित लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ, पुलिस से उसको न्याय नहीं मिला, 5-6 दिन हो गए, उसके बाद जब न्याय नहीं मिला तो उसने ट्रेन के सामने कूद करके जान दे दी। इतने उत्पीड़न के मामले जब सामने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार आरक्षण पर हमला कर रही है, आपके उत्तराखंड के जो सरकार है उसने तो कोर्ट में सीधे सीधे कहा है कि जो है आरक्षण जो है मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए, है नहीं, हम मानते नहीं उसको, कोर्ट में ये दलील दे रही है वो तो, और उत्तर प्रदेश सरकार समर्थन में है इसके, तो ये उनकी मानसिकता को दिखाया जाता है। तो इसी इतने हमले जब हो रहे हैं, बाबा साहब के विचार पे हमले हो रहे हैं, हमारे संविधान पे हो रहे हैं, आरक्षण पे हमले हो रहे हैं, तो कांग्रेस कमेटी ने SC डिपार्टमेंट ने एक मुहिम शुरू की है हमारी आरक्षण समर्थन पर और आरक्षण बचाओ यात्रा। आरक्षण बचाओ यात्रा के तहत हम लोगों ने मेरठ से शुरू किया, कल मेरठ में कार्यक्रम था, लगभग 700-800 लोग थे उसमें, एक यात्रा निकाली गई बाबा साहब इंदिरा गांधी जी को माल्यार्पण करके और बाबा साहब के प्रतिमा तक वो यात्रा गई और हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने की